नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह, और आज की चर्चा हम किस मामले पर कर रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी 8 पेजेस की लिखी है जिसमें किसानों को तमाम तरह के आश्वासन दिए हैं। हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये चिट्ठी कई ऐसी बातें इस वक्त दिखा रही है जिसमें एक भावनात्मक अपील भी किसानों से नजर आती है, तो वादों के रास्ते सुलह की कोशिश भी दिखाई देती है। हालांकि किसान वापसी पर अड़े हैं और सरकार बीच के रास्ते से समाधान की मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में इस वक्त दिखाई देती है। और आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में किसानों से बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच राजनीति में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं, और इस चिट्ठी के आने के बाद क्या वाकई किसान समझते हैं या बातचीत का रास्ता खुलता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इस बीच ये चिट्ठी भी आई है जिसमें आश्वासन दिए गए हैं। आपको हम ये दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या आश्वासन लिखित में इस वक्त कृषि मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जमीन पर स्थायी बदलाव नहीं कर सकते, जो किसानों की चिंताएं थी, जो अब तक की बातचीत में और तमाम डिस्कशंस में निकलकर भी सामने आया है। अस्थायी निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर लोन नहीं ले सकते। एमएसपी के लिए लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। एपीएमसी को लेकर सरकार ने कहा है कि मंडियां जो व्यवस्था पहले थी वैसे ही जारी रहेगी। और इस बीच आप ये अलग अलग तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि कृषि मंत्री का ये पत्र इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान संगठनों के बीच भी इसे लेकर चर्चा जारी है। तो गुजरात के बाद अब प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे, और 1600 करोड़ का एक पैकेज भी योजनाओं के जरिए उन्हें दिया जाएगा। और 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन। तो विपक्ष में कल दिल्ली विधानसभा में भी एक तस्वीर दिखाई दी जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कानून की कॉपी फाड़ दी। तीन नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं, वह किसान की हर समस्या का समाधान है। देश भर में किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है। उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी। जो किसान इधर पूरा दिल्ली घेर के बैठे, रोड पर बैठे इतनी ठंड में, उनका सुनो, बात सुनो भी क्या बोलना चाहते हैं, उनका मसला हल करो। अगर तो सरकार बातचीत करके हमारे साथ, मोदी साहब पीएम बैठे बात करे, ये काले कानून को वापस ले जाए। जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं ऐसी कांग्रेस है या अन्य जो संगठन है, वो भी नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले। इसलिए उन वो किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है जिस तरह से हमारी 6 दौर की वार्ता हुई है, किसान इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे को इस आने वाली जो वार्ता होगी उसमें सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से जो अगली बैठक होगी उस बैठक के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि किसान इस बात को समझेंगे, और अगर उनके बावजूद भी किसानों को अगर कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भी भारत सरकार तैयार है, और अगर उनको कुछ लगता है कि इस बिल के अंदर और ऐड करवाने की आवश्यकता है तो भी भारत सरकार तैयार है। सरकार इसको लिंगर ऑन करना चाहती है, सरकार को ये मुंगालता है कि अगर हम इसको लिंगर ऑन करेंगे तो आंदोलन अपने आप टूट जाएगा, पर सरकार ये भूल जाए कि आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश में आग सुलग रही है और यहां पर बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं किसान। तो तीन बड़े डेवलपमेंट इस वक्त दिखाई देते हैं। एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे, राहत पैकेज उन्हें देंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री की चिट्ठी आई है जिसमें लिखित में बड़े डिटेलिंग में 8 पन्नों की इस चिट्ठी में वादे भी किए गए हैं, आश्वासन दिए गए हैं, तो गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाए गए हैं गुमराह करने के। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो इसी के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा चलने वाली है। खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ आ चुके हैं। आप हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री भी हैं और अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के। अभय हमारे साथ, इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह जी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। और शिव कुमार शर्मा जी, जिन्हें लोग कक्का जी कहकर भी बुलाते हैं, आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंगठन के, और उस 5 मेंबर कमिटी के भी मेंबर हैं जो कि सरकार से इस वक्त बातचीत में जुड़ी हुई है। तो कक्का जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बड़े ही भावनात्मक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद उस परिवार से हूं जिसने आंधी पानी में फसल को बर्बाद होते देखा है, कई प्रयास किए हैं फसल बेचने से लेकर फसल उगाने से लेकर, और वो तमाम तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं।
आप लोग इस चिट्ठी से क्या समझ पा रहे हैं, क्या चर्चाएं आप लोगों के बीच में चल रही हैं? देखिए, अब चिट्ठियों से काम तो नहीं चलेगा, 23 दिन हो चुके हैं और 23 दिन में हमारे 23 किसान शहीद हो गए, 12 तीन चार डिग्री के बीच में किसान पड़ा हुआ है। सरकार को अविलंब वार्ता बुलाना चाहिए, चर्चाएं हमारी 6 राउंड हो चुकी है, वही चर्चाओं के आसपास चिट्ठी का प्रारूप भी है। तो चिट्ठी से काम नहीं चलने वाला है, सरकार का प्रयास है, अच्छा है, करना चाहिए प्रयास, चिट्ठी भी लिखना चाहिए, परंतु सरकार गंभीरता से वार्ता बुलाए और वार्ता बुलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई हो चुकी है कि हम क्या क्या, कोई उसमें नया विषय मुझे नहीं आ रहा समझ में। और जो एक बात मैंने आपके माध्यम से सुनी, चिट्ठी मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं रात को 3 बजे लौटा हूं, उसमें ये कि हम लिखित आश्वासन देंगे, तो मुझे 50 वर्ष हो गए हैं और 20 बार मुझे लिखित आश्वासन मिला है सरकार की ओर से, परंतु वो आश्वासन लिखित ही रहता है, उसका कोई आदेश जारी होता नहीं है। तो अब ये जो हम जो अनुभवी लोग हैं, ये लिखित और आश्वासन इससे बहुत ऊब चुके हैं, अब तो सरकार को आदेश जारी करना होगा। अब सहमति जहां बन जाए सरकार और किसानों के बीच में, हमारी कमेटी के बीच में जो सहमति बन जाएगी, परंतु सरकार को इसका निराकरण शीघ्र निकालना चाहिए। यह इस प्रकार की मोदी जी पूरे देश में कह रहे हैं, जब एक बात हम बड़ी उनसे प्रार्थना करते हैं मोदी जी से भी, कि जब हमको एक कानून नहीं चाहिए तो आप जमदिया क्यों देना चाहते हैं? अब ये कांग्रेस और विपक्ष, कृष्णवीर जी मैं आपको भी चर्चा में लाना चाहती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र कक्का जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो गिफ्ट हमें चाहिए नहीं वो हमें क्यों दिया जा रहा है, क्या यही सेंटिमेंट है किसानों के बीच? देखिए कक्का जी जो कह रहे हैं, मैंने उनको बहुत तरीके से सुना, एक एक शब्द में सुन रहा था, क्योंकि बहुत पुराने समय से कक्का जी भी जो है मध्य प्रदेश में किसानों के बीच में काम करते रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो MSP की जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ 8% किसानों को मिली है। कल ही हमने किनोनी गांव में, जहां शुगर मिल का सबसे वो क्षेत्र, कल पंचायत में मैं भी था, हम इसीलिए गए थे। हमारा ये मानना है कि अगर किसी चीज के विकल्प ज्यादा होते हैं, हो सकता मैं गलत कह रहा हूं, अगर ये सब है, विकल्प अगर ज्यादा होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वो छोटा उत्पादन करने वाला है या बड़ा उत्पादन करने वाला है। एक शब्द है इंटरनेशनल बाजार का, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो व्यवस्था आज तक चल रही थी, तो उसमें तो फिर कर्जे में दब रहे थे, कर्जे में मर रहे थे। कक्का जी अच्छी तरह देखते हैं, सब चीजों को समझते हैं। तो अगर हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की बात पर जाएं, क्योंकि मुझे भी उसमें 2006 की रिपोर्ट से पहले बुलाया गया था, 2005 में मैं और महेंद्र सिंह टिकैत जी भी थे, आज हमारे कामरेड मित्र अतुल अंजान भी उसमें मेंबर खुद थे वो। तो तब तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर रिफॉर्म नहीं होंगे, बाजार नहीं खुलेगा, हमारा सुधार कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़ें, अगर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, एग्रो प्रोसेसिंग की स्थिति कैसे करें, क्लस्टर कैसे डेवलप करें, चेन कैसे खड़ा करें, उपभोक्ता से कैसे जोड़ें। जब तो हम कमीशन में ये सब बात कर रहे थे, जिसमें क्योंकि करा है ना हम लोगों ने काम उसमें, इसीलिए वो रिपोर्ट 2006 से 2014 तक रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। इस तरीके की बात तो उस रिपोर्ट पर है। अब आते हैं हम दाम पर। दाम 8% को मिलता है, 92% की दुर्गति इस देश में हुई है। अगर उसको विकल्प दे दे सरकार, मेरा तो बहुत नम्र निवेदन रहा है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने पूरे जीवन में इसी बात के लिए हम लोग लड़ते रहे कि हमें बाजार दे दो, बाजार खोल दो, किसानों के गले में बाजार। आपका यही पॉइंट मैं कक्का जी के पास लेकर जाती हूँ। कक्का जी देखिए, यही तो सवाल था ना, 2001 से कृषि सुधारों को लेकर अलग अलग प्रयास हर जगह पर होते रहे हैं, कानून भी आ गया है, ये मांगे तो जब राजनीतिक तौर पर भी बात होती है, तो जब कांग्रेस सरकार में थी तो उनकी सरकार में भी इस तरह की कोशिशें हो रही थी, अब बीजेपी है अगर सत्ता में तो उन्होंने ऐसी कोशिश की है, लेकिन जो आपत्ति आपकी थी, अगर सरकार कह रही है हम लिख के देंगे, संशोधन के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों नहीं किसान मान रहे हैं इस बात पर? देखिए आज, और इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात भी जोड़ देती हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कह रहा है ना कि कमेटी बनाइए और बात करिए। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि कमेटी बनाइए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा, आज सबसे बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है विश्वास का, कि हम विश्वास किस पे करें। बारी बारी से कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी सरकारें आती रही हो, सभी ने हमारे साथ छल किया है, ठगी की है। अभी 73 साल में पहली बार
किसानों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी खड़ा हुआ है, तो अगर सरकार ये कह दे कि साहब ये कांग्रेस ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कह के पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। जो 6% और 8% की बात मंडी तक जाने वाली बात माननी कह रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में तो 99% मंडी जाते हैं लोग, रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा पैडी और गेहूं परचेज किया जाता है। अभी मैं केवल एक बात आपकी थोड़ा सा अलग दे जा रहा हूं, ई अनुज्ञा एक पोर्टल है मध्य प्रदेश का, किस सरकार का पोर्टल है, कल उस पर काफी विस्तार से बताया गया था, मैं रोज बता रहा हूं। उसमें 6 महीने में जो कानून लागू हुआ है उसके दुष्प्रभाव सरकार द्वारा खुद बताए गए हैं कि ये है। ई अनुज्ञा पोर्टल को देखें आप, 66 मंडियां हमारी बंद हो चुकी है, 140 मंडियों में कामकाज ठप हो चुका है, 600 करोड़ का हमको रेवेन्यू मिलना चाहिए था तो केवल 240 करोड़ का रेवेन्यू मिला हुआ है, और 5 जीन्स जो आती है इसके बाद वो 5 जीन्स 50% समर्थन मूल्य से नीचे बिकी है। आप जो आंकड़े दे रहे हैं, देश भर में किसानों की जो बदहाली है उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वही सरकार कह रही है कि हम सुधार कर रहे हैं। धनखड़ जी, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं हो रहा सरकार पर। अब ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे किसानों को भरोसे में लिया जा सके? मीनाक्षी जी, दोनों मित्रों की बातें मैंने सुनी, कक्का जी की भी सुनी, कृष्णवीर चौधरी जी की भी सुनी। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक परिवार में 10 भाई हैं, 10 खेती करते हैं, एक सीधी मार्केटिंग करना चाहता है और 9 मंडी जाना चाहते हैं। दोनों के लिए विकल्प खुले हैं। आप गुड़गांव आइए, 80 से ज़्यादा किसान मंडी चल रही है, डायरेक्ट किसान अपना सामान बेच रहा है। मेरे यहाँ 70,000 किसान FPO से जुड़े हैं, 50,000 प्रगतिशील किसान है। मैं हरियाणा का कृषि मंत्री रहा हूँ, देश में किसान मोर्चा का भी 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मैं दोनों स्थितियों को जानता हूँ। वो जो 1.25 लाख लोग हैं वो तो डायरेक्ट मार्केटिंग चाहते हैं, लेकिन बाकी जो 14 लाख लोग हैं वो अभी मंडी जा रहे हैं, हमको ये मालूम है। इसलिए सरकार भी दोनों बातें कह रही है कि मंडी भी चलेगी और डायरेक्ट मार्केटिंग जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। 9 भाई दबाव बनाकर उस एक भाई के काम को ना रोकें जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है, ये फैसिलिटी उसके लिए है। सहज बढ़ेगा, एक दिन में कोई बदल जाएगा सारा चित्र, ऐसा नहीं है। सरकार लिखित आश्वासन दे रही है, सरकार कहती है APMC एक्ट ऐसे रहेगा, सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें तय करें कि उन्होंने कहाँ टैक्स लगाना कहाँ नहीं लगाना, किस जो व्यापारी है उसका पंजीकरण भी सरकार करे, जमीनों पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता अब कोई मुद्दा बचा है इन कानूनों में, अब तो केवल और केवल एक आग्रह से दुराग्रह बचा है कि इनको रद्द करो। हमारे हरियाणा में तो एक बात चलती है, वो मैं आपको कहूँगा, जोर से चलती है कि किसी लड़के के लिए पजामा सिलवा दिया गया, सब उसी को काम बताने लग गए, तुमने पजामा पहना है दूध निकाल लो, तुमने ये काम किया है पजामा पहना है तुम चारा डाल दो, तुमने पजामा पहना है हुक्का भराओ। शाम तक ऐसी स्थिति हो गई, भाई मैं पजामा पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि एक ही मुद्दे को लेके बार बार उस पर प्रेशर करना। कुछ लोगों को जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं उनके लिए इसका लाभ मिलेगा, 9 लोग सीधे जाएंगे तो उस पर काय को प्रेशर करना जिस एक को बेनिफिट होने वाला है, जिसको लाभ मिलने वाला। सरकार तो बार बार ये बात क्लियर कर रही है कि किसानों की बेहतरी के लिए बिल लाया गया, लेकिन अखिलेश जी जो चिट्ठी आई है कृषि मंत्री की उसमें कांग्रेस का नाम साफ तौर पर लिखा है। ये दुराग्रह फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। मीनाक्षी जी आपने वो देखे हैं, शैलजा जी को बैठे मैं बोलूं जी, आपने ये कंप्लीट करने पे मैं आपका नजर जाती देखा है। बोलिए अखिलेश, मैं बोलूं कि मीनाक्षी जी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बिल बनाते हैं आदरणीय मोदी जी, लोकसभा से संसद से पास करा देते हैं, और वो बिल कैसा है कि उसको समझाने के लिए मोदी जी सहित पूरी सरकार, पूरी पार्टी, प्रदेशों की सरकार उतर गई है। तो ये बिल क्या तारीफ काबिल है या कूड़ेदान लायक है जिस बिल को समझाने के लिए पूरी सरकार उतर चुकी हो और उसको समझा रही है जो किसान पुश्तैनी खेती करता है, उसे उससे ज्यादा बेहतर पता है। वो कह रहा है कि ये बिल खराब है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं बिल अच्छा है। भैया क्यों ऐसे अच्छा है? दूसरी बात, ये खुद अपनी जगह साई करते हैं बीजेपी के साथी लोग, लेकिन आप भी तो इन्हीं पॉइंट्स को तो आप भी लागू करना चाहते थे जब आप सत्ता में थे। एकदम नहीं, तो आज इस विरोध का क्या मतलब है? ये कैसे कह दिया हम लागू करना चाहते थे? शरद पवार जी की चिट्ठी सबके सामने रखी गई है ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। 303 सांसद दिल्ली में है मोदी जी के पास, यूपी में भी 303 विधायक हैं,
विपक्ष 50-60-70 एमपी है, वो और मोदी जी सबसे बड़े कम्युनिकेटर आप बोलते हैं, गोदी जी भी साथ में है, मोदी जी भी साथ में है, बताते हैं कि सबसे बड़े दुनिया देश के नेता हैं, सब लोग उनकी बात पे प्रभावित होकर के उनकी बातों से कन्विंस होते हैं जी। और कह रहे हैं कि 50 सांसद वाली पार्टी भ्रम फैला दे रही है। अरे भाई फिर आप अपना अपमान नहीं तो वो यही कह रहे हैं ना कि जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर किसान इस तरह से जो है उद्वेलित आंदोलित हो रहे हैं, लेकिन देश में पूरी जगह ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई देती है। किसानों के आंदोलन का 23वां दिन सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। किसानों को मनाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने चिट्ठी भेजकर किसानों को समझाया है कि कानून उनके हक में है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, सारे के सारे मंत्री किसानों को यही समझाने में जुटे हैं कि नया कानून उनके हित में है। किसी भ्रम में न पड़े, बदलाव के साथ बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आज प्रधानमंत्री फिर यही करने वाले हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। एमपी के किसानों से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में इस चर्चा का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की, इसमें लिखा है, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी, अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं, किसान जब चाहें करार खत्म कर सकते हैं। कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान सफेद झूठ को पहचाने और खारिज करें। तोमर की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने भी मुहर लगाई है। ट्वीट करके पीएम ने किसानों से चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने गुरुवार को ही पहले दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी गईं। केजरीवाल और उनके विधायकों ने किसानों का समर्थन करने का ये तरीका अपनाया। और ये तीन कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है। उधर सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन के मामले पर कोई साफ आदेश नहीं आया है। गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान, इस एजिटेशन के दौरान, वो किसी और नागरिक का जो उनका हक होता है संविधान के अंदर, उसे ना वायलेट करे, स्पेशली कोई न्यूसेंस वैल्यू या रोड ब्लॉक ना करे, यही हमारी मांग है। और ख़ास करके शाहीनबाग के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, यही पिटिशनर का कहना है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट की वैकेशन बेंच करेगी। इधर दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान सरकार के रुख से खफा दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि बाकी राज्यों से आ रहे आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है।
हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें, न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है और सरकार को घुटना टिका कर रखेंगे। एक किसान आंदोलन के जवाब में सरकार कानून के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। ज्यादा जोर इसी बात पर है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें राजनीति के लिए बहकाया गया है। आंदोलन में विदेशी हाथ और एंटी नेशनल तत्वों की घुसपैठ को लेकर पहले से ही बयानबाजी चल रही है। दिल्ली से पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। जब किसान आए थे तब मौसम खुशगवार था, लेकिन सर्दी अब ऐसी है जो हड्डियां कंपा दे। किसान मौसम के सख्त तेवर का सामना कैसे कर रहे हैं, कैसे वहां पर समय बीत रहा है, बॉर्डर से हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के किनारे किनारे इंसानों का एक समंदर हिलोरे मार रहा है। कभी उमड़ता घुमड़ता तो कभी एकदम शांत। सर्द सुबह में इसी समंदर से धुआं उठता दिखता है तो ठिठुरन वाली रातों में लगता है मानो समंदर जम गया। देखने और सुनने में भले ही ये उफनती लहरें एकाकार लगे, लेकिन इस सैलाब के एक एक कण की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है। 75 साल के मोहन सिंह ने 3 दशक तक देश की पहरेदारी की। अब सिंघू बॉर्डर पर डटे अपने भाइयों की सलामती के लिए रात भर पहरा देते हैं। हम लोग हर जगह पर हर आदमी को वो स्कूटी भी वक्त से देखते हैं, चाहे वो स्कूटी पर कहीं भी हो, चाहे वो मेस हो, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो स्टेज हो, कोई भी जगह जहाँ लोग सोए हुए हैं आराम कर रहे हैं उनके बारे में हम देखते हैं। कोई भी आदमी, कोई लेडीज हो या कोई बच्चा हो, उसके साथ कोई नजायज हरकत ना करे। धरने पर बैठे किसान खाली वक्त में कुछ नया सीखें, पंजाब से यही सोच लेकर गुरु प्रताप सिंह भी सिंघू बॉर्डर पहुंच गए अपनी किताबों के पुलिंदे के साथ। टेंट में लाइब्रेरी खुली तो किसानों के साथ साथ आसपास की बस्तियों के बच्चे भी यहीं रमने लगे। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हों, उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता लगे, क्योंकि जब तक कोई बच्चा एजुकेट नहीं होगा तो उसे सही या गलत का पता नहीं लगेगा। ये वीर सिंह उन्होंने किया है, वीर जी ने, उनके आइडिया था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है यहाँ के स्लम एरिया के जो बच्चे थे वो ऐसे ही मतलब नारे लगाते हुए ऐसे ही घूमते थे ताकि उन्हें लंगर लंगर मिल जाए, तो हम यहाँ पे उनका किया है ताकि वो किताबें पढ़े और एजुकेट हो। सिंघू बॉर्डर पर खुले में एक सलून भी चल रहा है। कटिंग शेविंग के लिए परेशान आंदोलनकारियों की फिक्र में लाभ सिंह पंजाब से अपने सलून के कर्मचारियों को लेकर यहाँ पहुँच गए। खर्च तो ज्यादा है लेकिन फिर भी सबको फ्री सेवा दी जा रही है। और मेरा सारा किसान भाई आंदोलन में आ चुका है और उनकी सेवा के लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री सेवा करके सैलून बना दिया है। अपना सैलून पे वहाँ पे छुट्टी कर दी है, सैलून ऑफ कर दिया है। जब तक आंदोलन चलेगा हम यहाँ पर अपनी सेवा जारी रखेंगे। आंदोलन शुरू हुए 22 दिन हो गए। पहले का खुशनुमा मौसम अब जुल्म पर उतर आया है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर ना तो किसानों की तादाद कम हुई ना हौसला। से अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें, न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है। उधर दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर आज हंगामा रहा। रास्ता बंद करने के लिए आज फिर बड़ी तादाद में किसान जुटे। कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। कुछ देर तक अफरा तफरी मचने के बाद आखिरकार पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और रास्ता खोल दिया। पूरी तरह से बिकी हुई है। हमारे साथी आ रहे हैं वो ब्लॉक करेंगे सड़क को, लेकिन जब तक ये तानाशाही सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे।
आंदोलन और कृषि कानून का मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। कोर्ट और सरकार जो भी फैसला करें, किसान अपने फैसले पर डटे हैं और वो ये कि कानून वापस हो। दिल्ली से राजेश खत्री, हिमांशु मिश्रा और नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो नए कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी लगातार किसानों को समझा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों से उनका संवाद होगा। लेकिन इस बीच जब कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक 8 पन्ने की चिट्ठी में तमाम बातें किसानों को समझाने बुझाने के लिए लिखी हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी उस पर ट्वीट किया और लिखा कि सभी अन्नदाता इस चिट्ठी को जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इस चिट्ठी को किसान भाइयों तक आगे पहुंचाएं, ताकि सरकार की बात और जिस मकसद से ये कानून लाया गया है वो अन्नदाता तक पहुंचे। लेकिन सवाल ये बना हुआ है, इसीलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक प्रयास तो कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है, लेकिन जो किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं वो इस चिट्ठी को किस नजरिए से देखते हैं और क्या इस चिट्ठी से जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का अहम स्टेटमेंट कानून को लेकर। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 2400 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री हो या सरकार के बाकी मंत्री, एक बात जो कॉमन दिखाई देती है स्टेटमेंट्स में वो ये कि कानून को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और ऐसे में आरोप विपक्ष के ऊपर भी सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। और इसके पीछे एक दलील ये भी दी जा रही है कि पंजाब हरियाणा में मुखर तौर पर यह विरोध दिख रहा है, लेकिन देश के बाकी जगहों पर किसान इतनी मुखरता से नहीं बोल रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कक्का जी, जो बात आपने कुछ देर पहले कही थी, आपने कहा था भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के ऊपर, मैं उससे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए, सरकार के मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिया वो रिकॉर्ड पर है। अभी हमने टेलीविजन पर भी प्रधानमंत्री का बयान सुनवाया। जो सरकार विज्ञापन दे रही है वो अखबारों में है। तो ये तो आपके पास एक सबूत लिखित में भी है कि अगर कल को सरकार अपने वादे से पलटती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर, या उन्हें चुनौती दे सकते हैं कि आपने कैसे झूठ बोल दिया हमसे। ठीक बात है, बताता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम C2+50 देंगे, लिखित भी दिया था, भाषण में भी कई जगह कहा था। और फिर जब हम नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया कि अब हम नहीं दे सकते C2+50, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो जब मैंने पूरे भोपाल को 15,000 ट्रैक्टर से हाईजेक किया करने का जो छपा था पेपरों में, तब भी हमारे मुख्यमंत्री ने लिख के दिया था, आज तक पूरा नहीं किया। तो जीवन में ऐसा हम लिखित कई बार ले चुके हैं और कई बार धोखा खा चुके हैं। अब जी दिक्कत है कि जब आप लिख के दे रहे हैं, जी दिक्कत क्या है, हम तो बैठे हैं सड़क पे ना भाई, हम ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास रहा है, सरकारें वादे करती हैं, लिखित में देती हैं, फिर पलट जाती हैं, कोर्ट की लड़ाई से भी रास्ता नहीं निकलता, यही वजह है कि भरोसा नहीं हो पा रहा। धनखड़ जी, मीनाक्षी जी, मैं चार बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि एक बात यह बताई गई कि इससे मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी। अब इस चिट्ठी से साफ हो गया है दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलेंगी, MSP भी रहेगा, मंडी भी रहेगी, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहे वो कर ले। तो वो जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाई ये उसका विकल्प बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दूसरी, पहले वाली व्यवस्था जो की तो रहेगी, दूसरी व्यवस्था का जिसने लाभ लेना हो ले लो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब इसका पूरा क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।
कि उन्होंने अपने यहाँ पर मंडी टैक्स कैसा रखना, बाहर कैसा रखना, अंदर कैसा रखना, खेत में कैसा रखना, खलियान में कैसा रखना। जो सवाल कैप्टन अरविंदर उठा रहे थे कि हमारा जो मार्केट फीस आती है वो खत्म हो जाएगी, अब राज्य पर निर्भर हो गया है कि उसने मार्केट फीस बाहर भीतर कैसे लगानी है, तो वो पूरे के पूरी बात का समाधान इस चिट्ठी से हो गया है। तीसरी बात जो कहते थे एसडीएम के पास क्यों जाना, तो अब सिविल कोर्ट जाने की बात भी इस चिट्ठी में आ गई है, तो वो जो डर था अभी एसडीएम दबाव में आ जाएगा, सिविल कोर्ट का रास्ता भी खुल गया है। और चौथी बात जो कहते थे कि ये धनपति लोग हमारी जमीन ले लेंगे, एक भ्रम फैलाया जा रहा था, वैसे तो देश में 37.5 करोड़ एकड़ जमीन है, और अंबानी और अडानी दोनों मिल जाए तो भी देश की 7.5 लाख एकड़ जमीन नहीं ले सकते, एक या दो जिले की जमीन लेने का भी दम नहीं है उनमें, लेकिन एक ऐसा भ्रम फैलाया गया जिसे हमारी सारी जमीन ले लेंगे, इस चिट्ठी से साफ हो गया है वो हमारी एक इंच जमीन भी नहीं ले सकते किसी भी कीमत पर। तो जितने भी भ्रम उत्पन्न किए गए थे वो भ्रम अब इस चिट्ठी के माध्यम से हमारे तोमर साहब ने बिल्कुल दूर कर दिए हैं। अखिलेश जी, और भी जो बातें चिट्ठी ने सारे भ्रम तोड़ दिए, सब सवालों के जवाब दे दिए, बातचीत का रास्ता खुला रखा है। और काका जी जो कह रहे थे, मैं हो गया भाई धनखड़ जी, हो गया, मेरी बात पूरी सुन, आने दीजिए, अरे रुकिए धनखड़ जी, धनखड़ जी फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, पर अखिलेश जी भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको पहले, रुक जाइए रुक जाइए, अभी आपके बात का मैं जवाब दे दे रहा हूँ। देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी, मेरी बात पूरी, मैं आपके पास आऊंगी, कंप्लीट करिएगा, बस एक बार वो दे दे जवाब, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी की विश्वसनीयता जीरो है, सुन लीजिए, मोदी जी की विश्वसनीयता जीरो है, उनके जुबान पे किसी को विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। देखिए बिल का एक्ट का जवाब चिट्ठी नहीं हो सकता, ये चिट्ठी लिखा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्ट पढ़ता है आदमी, एक्ट पढ़ता है कानून, एक्ट पढ़ता है अदालत, एक्ट पढ़ते हैं अधिकारी। चिट्ठी आप अपने घर रखे रहिए, अगर आप नियत साफ है तो जो आप चिट्ठी में लिख रहे हैं उसका ऑर्डिनेंस ला दीजिए, फिर कहिए कि हमने इस एक्ट में ये ऑर्डिनेंस ला के जोड़ दिया है, भाई किसान भाइयों अब बताओ आप। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप सिर्फ मूर्ख बनाने में लगे हो। किसान नाराज दिल्ली के बॉर्डर पे हैं और आप गुजरात और मध्य प्रदेश समझाने जा रहे हो मोदी जी, घर से निकल के दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाओ ना, वहां समझाओ जो वहां बैठे हैं। आप बताते हो कि देश के किसान, अरे यूपी में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप कैलाश पाठक आपको छोड़ के जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं एमपी, कई हरियाणा में मिनिस्टर बोल रहे हैं, एमपी बोल रहे हैं, आपके साथी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और आप सिर्फ शब्दों के माया जाल में असत्य फैला करके किसानों को भ्रमित खुद आप कर रहे हो। अरे जो किसान पुश्तैनी खेती कर रहा है उसके बारे में आप उसको कह रहे हो कि वो भ्रम में है, आप भ्रम में हैं, किसान को सब सच्चाई पता है, ठीक है, दुकान के सामान पे एमआरपी रहेगी और किसान को एमएसपी रिटर्न नहीं होगी, ठीक, जो कारोबारी व्यापारियों के लिए बिल में सारे पॉइंट रिटर्न है और किसानों की एमएसपी से लगाए और सारे पॉइंट जमा नहीं रहेंगे, क्यों? कृष्णवीर जी, अखिलेश जी कई सवाल उठा रहे हैं अभी भी, और फिर मेरा वही कहना है कि सरकार ने लिखित में भी कई बातें कही और मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि बातचीत से रास्ता निकालिए, लेकिन क्या उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि कानून वापस ही हो या रद्द हो तभी ये बातचीत हो पाएगी? मीनाक्षी जी मैं एक मिनट बोल लूं अपनी बात जी प्लीज। जब चुनाव से पहले किसानों को 6,000 रुपए देने की योजना की थी और 2,000 रुपए की पहली किस्त दी गई थी तो तब तमाम लोगों ने यह कहा कि यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है, बाद में बंद हो जाएगा। वो 90,000 करोड़ रुपए साल किसानों के खाते में दे रही है सरकार। एक मेरा निवेदन मेरा देश के तमाम मित्रों से है, एक तो मुझे अफसोस इस बात का है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों कांग्रेस के मित्रों को समझा नहीं रहे हैं कि सच्चाई क्या थी। और दूसरी बात यह है कि क्या चीन तय करेगा लाल झंडे से कि किस तरीके से आंदोलन चलने हैं, क्या पंजाब के सिर्फ आड़ती ही इस देश की किसानों के लिए सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है? मेरी बात सुनिए, हम चिदंबरम जी की तरह गमलों में करोड़ों की गोभी उगाने वाले नहीं अखिलेश जी, मैं तो सिंबावली के पास गेहूं बोने वाला आदमी हूं, मेरी बात सुन लीजिए, आज
मैं बराबर बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। आज तक जिस तरीके की बकवास आपके लोग करते हैं, कृष्णवीर चौधरी ने पूरा जीवन खेत को दिया, पशुओं को दिया, और आपके दो टके के भ्रष्ट और चोर और भूमि के लुटेरे कृष्णवीर चौधरी को ये कहते हैं कि किसान नहीं है, शर्म नहीं आती आपको? आपने उन लोगों को आज तक ये नहीं कहा कि कृष्णवीर चौधरी है कौन? आपको आपको खुद पूछना चाहिए था कि झूठ और धोखा कब तक आपके लोग करते हैं? आप सच्चाई है, आपने सही कहा। मैं मानता हूँ कि एमएसपी की बात होनी चाहिए, मैं मानता हूँ कि जमीन की गारंटी लिखित में सरकार को देनी चाहिए। मैं एक बात और कहता हूँ, कक्का जी उस कमेटी में रहने चाहिए, हम चाहते हैं और कक्का जी रहेंगे तो हमको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कोई गलत बात नहीं होगा। ठीक है, कक्का जी को लेकर आप मेरे से दिखाएंगे कि वो बातचीत की उस कमेटी का हिस्सा है कक्का जी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये कहा, सरकार से पूछा, सॉलिसिटर जनरल से ये पूछा कि क्या इस कानून को अभी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब तक इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अगर इस मामले को तब तक सरकार की तरफ से टाला जाता है या रोका जाता है, तब क्या आप लोग खुले मन से बातचीत के लिए तैयार रहेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने खासतौर से कहा है सॉलिसिटर जनरल से, तो निश्चित तौर से उन्होंने भी कहा है कि इससे एक अच्छा वातावरण बनेगा और उस वातावरण में एक अच्छी चर्चा होगी। और आदरणीय कृषि मंत्री जी ने भी जो चिट्ठी लिखी है उसमें वही बातें लिखी है जो हमारी 5-6 राउंड में चर्चाएं हुई है। बड़े मंत्री गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी सुधार आप चाहते हैं वो हम करने को तैयार है। और हमारे लोगों ने कहा भी कि भाई ये पहले चर्चा हो जाती तो दिक्कत नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि हमसे त्रुटि हुई है, अपन मिलके इसको ठीक कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु चर्चा उस दिन के बाद आज तक चर्चा बुलाई नहीं गई है, और ऊपर से जो हम प्रचार में लग गए हैं पूरे देश के लोगों के बीच में कि तीनों एक्ट ठीक है, ये बाधा पहुंचाएंगे आगामी वार्ता के लिए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है तो हमारी भी कमेटी है, वो कमेटी तय करेगी कि हमको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। धनकर जी, फटाफट आप कंक्लूड कर दीजिए, समय कम है, लेकिन आप कंक्लूड करिए, फिर हम बहस का अंत करेंगे। धनकर जी, धनकर जी ये बता दें कि आदरणीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने मीनाक्षी जी, सत्य कभी एक तरफा नहीं होता। मोदी जी कुछ सत्यांश मेरे सामने वाले साथियों की बातों में हो सकता है, लेकिन बहुत सारा सत्यांश नरेंद्र तोमर जी की चिट्ठी में है। उन्होंने सारी बात अब खोल के रख दी है और इस चिट्ठी के बाद अब आगे बढ़ना चाहिए वार्ता के लिए। वार्ता पहले भी खुली रखी है, आगे भी खुली रखी है, पर हल्ला मचाने वाले लोग वो हैं जो स्वामीनाथन के चोर हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे कांग्रेसी, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए ये लोग बैठे रहे। राजस्थान में ये बाजरा नहीं खरीदते हैं, पंजाब में नहीं खरीदते हैं, किसानों की दुर्गति करने वाले लोग ये। हम यहाँ 12,000 रुपये मुआवजा देते हैं, 8,000 देते हैं, ये किसान हितैषी बनने की बात करते हैं। 350 रुपये हम हरियाणा में गन्ने का भाव देते हैं, 320 देते हैं, लेकिन किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। धनकर जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं वापस किसानों को गुमराह करने के, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में, और जिस बात का जिक्र यहां पर कक्का जी भी कर रहे थे कि अगर बातचीत का रास्ता खुलना है तो एक सकारात्मक माहौल जरूर बने, और आज जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद करने वाले हैं, तो क्या इस डेडलॉक को तोड़ने की कोई चाबी आज प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से दिखाई दे सकती है, संवाद से दिखाई दे सकती है? आज तक की नजर इस पर आगे भी बनी रहेगी। दिल्ली में देर रात भूकंप के झटकों ने दिल्ली वालों को खौफ से भर दिया। राजधानी को राजस्थान के अलवर से 4.2 की तीव्रता का झटका लगा था। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 7 महीने के भीतर 15 झटकों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि दिल्ली में बार बार आ रही ये झटके क्या किसी खतरे की आहट है। आधी रात को भूकंप के झटके से हिली दिल्ली। राजस्थान से दिल्ली पहुंचा 4.2 तीव्रता का झटका। अलवर जिला था भूकंप का केंद्र। अप्रैल से अब तक 15 बार भूकंप के झटके। कड़ाके की सर्दी में जब दिल्ली वाले कंबल और रजाइयों में दुबके थे, तब भूकंप के झटकों ने उनकी नींद उड़ा दी। कोई बिस्तर छोड़कर भागा तो कोई घर से बाहर निकल पड़ा। जिसने भी झटका महसूस किया वो खौफ में अपनी जगह से भाग खड़ा हुआ। हम स्टेशन के अंदर थे जी, 12:45 के बजे टाइम था। हमने देखा कि एकदम भूकंप से आया तो एकदम पब्लिक भगने लगी, अफतफड़ी मच गई।
कुछ बच्चे थे, लेडीज बैठी थी बेचारी, वो भी भागने लगे, तो हम पूरी पब्लिक इधर उधर होने लगी, फिर हम भी स्टेशन के बाहर आ गए। वो रात को 11:45 का वक्त था जब भूकंप के झटके से दिल्ली हिल गई। हालांकि सर्द रात की वजह से ज्यादातर लोग सोए हुए थे, लेकिन जो जगे थे वो खौफ से भर गए। आग ताप रहा था, हम लोग दो तीन जने, तो एक बैग टेबल मेरा भी घसका, तो मैं बोला, मैं समझा कोई मजाक कर रहा है, मगर मैं फिर बाद में बोला तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर मैं सोचा यार अपने आप टेबल हिला कैसे। अप्रैल से लेके अब तक 15 बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि रात का झटका बहुत जोर का नहीं था। भूकंप के संवेदनशील जोन में शामिल दिल्ली में रहने वालों को मामूली झटका होना भी अनहोनी की आशंका से भर देता है। मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं कि आखिरकार बार बार क्यों हिल रही है दिल्ली, बार बार दिल्ली में क्यों आ रहे हैं भूकंप, आखिरकार दिल्ली में जमीन के नीचे क्या चल रहा है, कहीं ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं। जो डिपार्टमेंट है, वैज्ञानिक है, उनकी माने तो पहले ही दिल्ली के अंदर बड़े भूकंप की आशंका जो है वो जता चुके थे, जिसके चलते दिल्ली में एक बार फिर जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। इसी साल अप्रैल के बाद से दिल्ली NCR में 15 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हर बार भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास का ही था। 16 दिन पहले ही दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली NCR के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इनमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सगरोदा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़े हुए हैं। भूगर्भीय हलचल पर एक शोध के मुताबिक दिल्ली NCR में कभी भी 8 या इससे ज्यादा तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। डराने वाली बात ये भी है कि कंक्रीट के इस जंगल में तब्दील होती दिल्ली में अगर 8 तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही आएगी, ये सोचकर ही डर लगता है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कल के भूकंप से बेशक कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन धरती में हो रही इस हलचल को नजरअंदाज न करिए। भूकंप के खतरे के लिहाज से दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 4 यानी वो इलाका जहां पर भूकंप का खतरा बड़ा है। जब कभी भयंकर जलजला आता है तो मजबूत से मजबूत इमारतें ताश के महल की तरह बिखर जाती हैं, इंसानी बस्तियां उजड़ जाती हैं, चारों तरफ विनाश का मंजर पसर जाता है। दिल्ली में जब भी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं, विनाश की तस्वीर आंखों के आगे नाचने लगती है और फिर ये राहत महसूस होती है कि चलो सब ठीक है। यह एहसास इसीलिए क्योंकि दिल्ली भूकंप के बेहद संवेदनशील जोन में शामिल है, जहां कभी भी 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 8 तीव्रता का भूकंप कितनी तबाही मचा सकता है, इसे जरा नेपाल की इन तस्वीरों से समझिए। 2015 में नेपाल में जिस भूकंप ने तबाही मचाई थी, उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 से कुछ कम ही थी। कुछ महीने पहले भू विज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर दिल्ली में तेज भूकंप आता है तो एपिसेंटर दिल्ली के आसपास ही हो सकता है, तो भारी तबाही होगी। सबसे ज्यादा खतरनाक यमुना नदी के अगल बगल के इलाके हैं, खासकर पूर्वी दिल्ली में भयंकर बर्बादी होगी। पूर्वी दिल्ली मतलब लक्ष्मी नगर, शकरपुर जैसे इलाके जो घनी आबादी वाले हैं। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन, मध्यम खतरे वाला जोन, कम खतरे वाला जोन। सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आने वाले इलाके हैं दिल्ली के यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा। कम खतरे वाले जोन में मध्य दिल्ली के ज्यादातर इलाके, दिल्ली रीजन के आसपास के इलाके, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कुछ इलाके। मध्यम खतरे वाले जोन में दिल्ली के वो इलाके हैं जो ऊपर के दोनों जोन में नहीं हैं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में हैं। इन इलाकों में बड़ा भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा है। ये सारे इलाके यमुना नदी के किनारे या उसके फ्लड प्लेन में हैं। भूकंप के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा खतरे वाला इलाका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ है। यानी इन इलाकों में भूकंप बड़ी तबाही मचा सकता है। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है। हालांकि यह खतरा उतना नहीं है जितना कि पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में सांसद, तमाम मंत्रालय और VIPs के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौसखास कम खतरे वाले जोन में है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में इस तरह का भूकंप 295 साल पहले आया था, जिसका एपिसेंटर भी दिल्ली के आसपास का ही था। ये भूकंप 15 जुलाई 1720 को आया था और इसकी तीव्रता 6.5 थी। दिल्ली में भूकंप से तबाही के खतरे की वजह इसकी घनी बसावट ही है। राजधानी की आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। दिल्ली के कई इलाके आबादी और इमारतों के लिहाज से बेहद घने हैं। ऐसे में बड़ी तीव्रता का भूकंप यहां काफी नुकसान कर सकता है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली ठंड की गिरफ्त में है। कल दिल्ली में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सीजन का सबसे सर्द दिन कल रिकॉर्ड हुआ, लेकिन डर की बात यह है कि दिल्ली में अभी सबसे सर्द दिन आना बाकी है। सर्दी से ठिठुर रही दिल्ली, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से कांपी दिल्ली। दिल्ली में कल था मौसम का सबसे सर्द दिन। दिल्ली पर ठंड के थर्ड डिग्री टॉर्चर का खतरा। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और भयंकर ठंड से परेशान हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, अभी आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, दिल्ली में दस्तक दे रहा है ठंड का 3 डिग्री टॉर्चर का खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का पारा करीब 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। दिल्ली पर शीतलहर का कहर टूटने वाला है। यू कैन सी इन दिल्ली NCR लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड टुडे वाज 3.5 डिग्री एट रिजी ऑब्जर्वेटरी। सो इट इज अ कंडीशन ऑफ कोल्ड वेव। सो टुडे वी हैव रियलाइज कोल्ड वेव एट टू प्लेसेस, रिजी एंड आयानगर। दिल्ली में कल मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री से अधिक नहीं जा पाया। ये सामान्य से 7 डिग्री कम था। मौसम विभाग की नज़र में सबसे सर्द दिन तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान औसत से 10 डिग्री से भी कम रहे और अधिकतम तापमान औसत से 4.4 डिग्री कम हो। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज हुआ। इसने भी 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। दिल्ली में सोमवार से सर्दी का अटैक शुरू हुआ था। आज लगातार 5वां दिन है जब राजधानी परेशान करने वाले मौसम से लड़ रही है। क्या दिल्ली में 1 डिग्री तक गिरेगा पारा? दिसंबर में दिल्ली के सर्दी के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले साल 28 दिसंबर को पारा 2.4 डिग्री तक पहुंच गया था। साल 2013 में भी 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। यूं तो साल 2014 और 2018 में भी दिसंबर के महीने में पारा 3 डिग्री तक नीचे जा चुका है, लेकिन इस बार ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। इस बार पहाड़ों पर भी नवंबर महीने में ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। वहीं 12 दिसंबर को जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहां से चल रही बर्फीली हवाएं दिल्ली को जमा देने पर तुली हैं। आज तक ब्यूरो।